गाइस वेलकम टू द चैनल। जर्नी हो गया है स्टार्ट और फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं ट्रेन में। तो मैं बेसिकली ऑलमोस्ट 15 या 16 मंथ बाद मुंबई जा रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन के पहले मैं आया था और ऑलमोस्ट 15 से 16 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मैं घर जा रहा हूं फाइनली। तो मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता कि घर जाने का जो खुशी है ना, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉटअप मुंबई से ही हूं, तो घर जाने का जो खुशी है कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वैसे लॉकडाउन के टाइम पे तो घर जा नहीं पाया, और मुंबई क्योंकि आई एम बॉर्न एंड ब्रॉटअप ओवर देयर, तो वहाँ से मेरा एक अलग ही बॉन्डिंग है। बट मैं सबसे ज़्यादा सैड इसके लिए हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मन में प्लानिंग चल रहा है कि गांव शिफ्ट होने का, एंड दैट इज़ लिटिल इमोशनल फॉर मी। तो फिलहाल के लिए वहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेन है, अभी ट्रेन को छूटने में ऑलमोस्ट 45 मिनट्स भी नहीं है, ऑलमोस्ट 35 to 40 minutes है। तो मैं तब तक बाहर का हवा खाता हूँ क्योंकि ट्रेन के अंदर गर्म है। जैसे ही ट्रेन चलने लगेगा, क्योंकि ये वाला जो ट्रेन है ना, इसका डिज़ाइन, विंडोज़ का डिज़ाइन देखिए, काफ़ी बड़ा विंडो है, तो विंडो साइड में बैठ करके हवा बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। लेकिन जब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होता तब तक थोड़ा स्टेशन के हवा खाओ। तो ये एक बेसिकली चीज़ आप लोगों को बताना था कि जो पुराने कोचेस थे ना, वो कुछ ये देख पा रहे हो आप, इस तरह के थे। लेकिन मुझे भी नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कब इस तरह के विंडोज़ को डिज़ाइन किया। वैसे वो वाले विंडोज़ भी अच्छे ही थे, बट ये वाले बहुत बड़े जो एसी कोचेस के विंडो होते हैं ना, वैसे लग रहे हैं। और इनका जो व्यूइंग है, वाइड एंगल लेंस जैसा बोल सकते हो, सो इसमें बैठ करके भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो व्यूइंग एंगल अच्छा हो गया है ना, उसकी वजह से व्यूइंग एक्सपीरियंस आउटसाइड का बहुत अच्छा मिल रहा है। सो इट्स, मैं कह सकता हूँ, इट्स अ क्लेवर डिज़ाइन ओवरऑल। उस वाले से तो इट्स अ गुड अपग्रेड। टाइम ऑलमोस्ट हो रहा है 7:20, तो चलते हैं, कम ऑन, लेट्स गो इनसाइड द ट्रेन। भूख लगी है, कुछ नाश्ता किया जाए। नाश्ता वगैरह हो गया है, लेकिन एक और कूल चीज़ जो आप लोगों को दिखाना था, ये दो विंडो देखिए आप, एक विंडो फुल कवर है और एक विंडो हाफ कवर है। मतलब इमरजेंसी के लिए भी इन्होंने सोच कर रखा हुआ है। और इस तरह का जो ये रेड विंडो है ना, ब्लैक के बीच में, बोगी में कुल दो है, देख पा रहे हैं आप। वैसे उस साइड भी है, बोगी के उस साइड में जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली वो रेड विंडो ही मिला है, काफ़ी ज़्यादा ओपन एंड वाइड स्पेस के साथ। लंबे टाइम की जर्नी के बाद ये फाइनली आप देख सकते हो कि हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंच चुके हैं। और महाराष्ट्र में एंट्री होते ही पता चला वेस्ट बंगाल के कंपेयर में महाराष्ट्र का ह्यूमिडिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा है, गर्मी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी ट्रेन के अंदर बैठ करके ब्लॉग बनाने का मौका वैसे भी कम मिलता है, और जर्नी का स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी भी है, धूल मिट्टी इतना उड़ रहा है कि हालत ही पूरा ख़राब हो गया है। देख सकते हो स्टेशन का व्यू। दादर से उतरने के बाद ये देख रहे हो आप, ट्रेन जा रहा है, और मैं इतना कह सकता हूँ कि ट्रेन का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही वर्स्ट रहा। तो फाइनली कलकत्ता से मुंबई पहुँच गया हूँ मैं घर पे। वैसे ये ब्लॉग आपको देख करके पता समझ सकता हूँ कि बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, उतना ही मुझे शूट करके भी बिल्कुल मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो जर्नी था ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, और इतना ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रहा था। ऊपर से ट्रेन का जो विंडो था, मुझे लगा एक्चुअली में कि ये और भी ज़्यादा बड़ा और जो और भी ज़्यादा स्पेशियस विंडो होगा, लेकिन एक्चुअली में देखा जाना तो जो विंडो है पुराने वाले ही काफ़ी बेटर थे, क्योंकि पुराने वाले जो विंडो थे ना, जितना भी वो विंडो था उतना सा स्पेस तो मिलता था, लेकिन ये विंडो एक्चुअली में बड़े हैं। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जो कांच है वो कहीं ना इतना ज़्यादा जगह ले रहे हैं कि जो पुराने वाले विंडो थे उनसे भी छोटे लग रहे हैं ये एक्चुअल में जो बड़े वाले विंडो है। तो और धूल मिट्टी इतना ज़्यादा उड़ रहा था कि मतलब
जर्नी था ना टोटली अनकंफर्टेबल था, उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया। वैसे मैं घर पे आने के बाद फ्रेश हो गया हूँ, क्योंकि 15-16 महीने बाद घर खोला तो घर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। मतलब लादी जो पूरा काला काला दिख रहा था, धूल मिट्टी से भरा हुआ था। तो क्लीन करने के बाद रिलेटिव्स के घर से उनको मिठाई वगैरह देने के बाद घर पे आ गया हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पता तो है कि आप लोगों को मज़ा तो नहीं आया होगा, फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी स्टे फिट, टेक केयर, बाय।